अब इसमें हम नाइफ प्लेट डालते हैं। ये नाइफ प्लेट आपको शायद फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में आपको बताया गया, रुचि मैम ने बताई होगी, क्योंकि प्लेटें, बॉक्स प्लेटें, नाइफ प्लेट। देखो नाइफ प्लेट में क्या करते हैं, इसको आगे की तरफ चाहे किसी भी साइड, वन साइड इसको नाइफ प्लेट में वन साइड प्लेटें ऐसे बैठा कर चले जाते हैं। ज़्यादातर ये सलवार में, रफल में, ये सब में यूज होता है। इस तरह से आपको जितने इंच का देना है, 1 इंच का, हाफ इंच का फोल्डेड देना है, तो हाफ इंच का फोल्डेड देकर के इसको स्टिच करते चले जाना है। यानी इसकी जितने भी प्लेटें वन साइड आएगी, एक साइड में आपको इसको नाइफ प्लेट बोलते हैं। इस तरह से आपको प्लेटें ये सेट करना है। एक है गेदर, होल्ड करके। हाँ, ये अब हम गेदर डालेंगे। किस तरह से गेदर डालते हैं, तो गेदर के लिए एक बूट आती है स्पेशल, जो गेदर डालते हैं ये पेच वाली होती है, इसको इससे गेदर सेट करना पड़ता है, हमें कितने गेदर डालना पड़ता है। तो हमने ये नॉर्मल बूट को निकाल दिया, अब ये गेदर वाले बूट को इसमें फिट कर रहे हैं। आप या तो शेयरिंग करके, जैसे हैंड स्टिच करके, उसको खींच करके भी उसमें गेदर डाल सकते हैं। अब हम इसमें गेदर डाल रहे हैं। गेदर जब भी डाला जाता है, जितना भी लेंथ हमें चाहिए गेदर का, उससे डबल कपड़ा लेते हैं, डबल, 1.5 गुना, 3 गुना, यानी गेदर के अकॉर्डिंग उसमें हम फैब्रिक ऐड करते हैं, और हमेशा विड्थ में रखते हैं। लेंथ में गेदर नहीं आते, तो कपड़े की जो ये लेंथ है, ये लेंथ है, और ये विड्थ है, जो स्टिचल होता है ये विड्थ होता है, तो हमेशा विड्थ में रखते हैं, तो विड्थ में गेदर अच्छी आती है। इस तरह से हमने गेदर डाल लिया इसमें। जितना इसमें ज्यादा कपड़ा रखेंगे उतना ही फॉल आएगा गेदर का। अब हम इस बूट को चेंज कर लेंगे। तो ये गेदर हमने डाला है, अब दूसरे पैनल पर हम इसको अटैचमेंट करेंगे। इसको अटैच कैसे करना, ऊपर जितना सिमलॉन्स है, सिमलॉन्स लेकर के इस सिलाई को कवर करते हुए, सिलाई से ज्यादा अंदर भी नहीं और ज्यादा बाहर भी आपको स्टिच नहीं करना है। इस तरह से रख करके ये हो गया आपका गेदर अटैचमेंट। इस तरह से स्कर्ट और स्कर्ट में, योक में, नीचे फ्लेयर के लिए गेदर ऐड करते हैं, तो इस तरह से इसको अटैचमेंट करते हैं।